नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के लिए मैंने बोला था आपसे रीजनिंग की मैं पीडीएफ लेकर आऊँगा, तो अभी इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है उसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं चाहूँगा जो लोग अभी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बहुत ही यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है अपस्टॉक। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही काम की ऐप है। इसमें आप फ्री में डीमेट अकाउंट बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ 500 से 600 रुपये चार्ज करती हैं, उसी में बात करें अपस्टॉक की तो यहाँ पर फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। अपस्टॉक की वेबसाइट या ऐप में जाकर आप ईमेल फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपल सा फॉर्म फिलअप करना है, लो आपका डीमेट अकाउंट बन गया। इसके साथ साथ आप फ्री में अपस्टॉक के बहुत सारे बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और बहुत सारे बेनिफिट में देखें तो 28,000 तक के बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात अगर जो देखें तो इसमें यह है कि श्रीमान रतन टाटा ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब यह बहुत ही यूजफुल और ट्रस्टेड ऐप है, साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर भी हाईली रेटेड ऐप है। दोस्तों, अब स्टॉक की ऑफर करते हैं आपको 28 गुना तक के मार्जिन, साथ ही ब्रोकरेज को प्रीपेड कराने के लिए आपको बहुत सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर इसमें शो हो रही होगी। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें अब स्टॉक और आज ही इसका इस्तेमाल करें। तो बात करें अगर जो ग्रुप डी की, तो रीजनिंग की अगर जो हम सिर्फ रीजनिंग की बात करें तो 100 नंबर टोटल आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन यानी कि अगर जो हम बात करें कि 30 आपका सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि चारों पोर्सन जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग से आता है। और बच्चे विशेषकर रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि मैं 30 में तो 20 कर लूँगा, तो अच्छी बात है आप 30 में 20 कर लोगे, लेकिन आपको जहाँ पर आप 26, 27, 28 कर सकते हैं तो वहाँ पर 20 नहीं करना, ठीक है, आपको 28 करना कम से कम। और रीजनिंग बहुत सी सिंपल आती है और रीजनिंग आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। कहाँ से पढ़ना है तो ये पीडीएफ अभी रीजनिंग की बन गई, यहाँ पे ले सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात या क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ रीजनिंग का पीडीएफ की। सबसे मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा, एकदम देख सकते हैं 40 रुपीज़ में आप सिर्फ ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। 20 मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, टोटल आपको डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप चैप्टर इंडेक्स देख लीजिए, चैप्टर देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेटर समानता सिमिलरिटीज का ये चैप्टर मिल जाता है, नंबर के चैप्टर्स मिल जाते हैं, वर्ड के चैप्टर मिल जाते हैं, दिशा और दूरी के चैप्टर मिल जाते हैं, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, संख्या प्रणाली, वेन आरेख और कौन कौन से टॉपिक इस प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल है, ये जो रीजनिंग की पीडीएफ इसमें अवेलेबल है, अंक गुम हो जाना, खून का रिश्ता, कैलेंडर, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास बुक तक नहीं होती रीजनिंग की, घड़ी, दर्पण छवियाँ, फ्लोर और पेपर पासा, ये वही चैप्टर इसमें सिर्फ दिए गए हैं जिनसे पिछले पेपर में रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, और यहाँ से बार बार रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ले सकते हैं। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके डायरेक्ट आपको बाई कर लेना है पीडीएफ, 40 रुपीज़ मिनिमम कॉस्ट पर आपके दिया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग अगर जो कहोगे तो कि पीडीएफ दिखाइए, पीडीएफ में किस प्रकार से प्रश्न दिए हैं उसको मैं आगे वीडियोज में दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं ये वीडियो शॉर्ट में ही बना रहा हूँ कि जिन लोगों को रीजनिंग की पीडीएफ लेनी है वो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आपकी क्लासेस जो रुकी हुई थी रीजनिंग की या फिर मैथ की, वो आपकी कंटिन्यू रहने वाली हैं, शाम से आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो खत्म हो चुकी हैं। मैंने बोला था घर पे शादी की पार्टी है, वो खत्म हो चुकी है, अभी आपको शाम से वीडियो मिलने लगी। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, जिन लोगों को रीजनिंग की पीडीएफ चाहिए वो जाकर डिस्क्रिप्शन से ले लो। अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।